Hey guys, this is Rekha. Welcome to Rekha's Kalpati. If you are new to my channel, then first hit the bell icon below. आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कंपास से ग्रिड बनाकर किस तरह से मांडला के ग्रिड्स बनाए जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मांडला के लिए ग्रिड बनाएंगे। तो जो हमारी शीट होती है, सबसे पहले उसका सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ता है, सेंटर पॉइंट मार्क करना पड़ता है। तो इस पेज का पहले हम लोग पैरेलल सेंटर पॉइंट देखेंगे, जो कि है 10.5, और फिर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो वो है 7। वैसे ही डिवाइड कर लेंगे और इस लाइन पे 0.5 की मार्किंग कर लेंगे। फिर उसी 0.5 के मेजरमेंट्स को लेके हम लोग सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। मार्किंग कर ली है अपनी लाइन पे। अब हम लोग कंपास से बहुत ही धीरे से हल्के से सर्कल बनाएंगे। जो रफ लाइंस रह जाए वो आप अपने हाथ से बाद में सही कर सकते हैं। ऐसे कंटिन्यू करके जितना बड़ा आपको बनाना हो, आप उतने सारे सर्कल्स उतने ही सर्कल्स बना सकते हैं। और आप 0.5 के बजाय 1-1 सेंटीमीटर के भी ले सकते हैं डिस्टेंस। सर्कल्स रेडी हो गए। अब हम लोग पूरी ग्रिड कंप्लीट करने के लिए बाइसेक्टर्स बनाएंगे, जैसे हम लोग ने स्कूल में सीखा था 90 का बाइसेक्टर, 45 फिर 45 का बाइसेक्टर। इस तरह से एक पॉइंट आप अपने पूरी ग्रिड पे मार्क कर लीजिए किसी एक सर्कल का, फिर उससे एक आर्क बनाइए, उसी सर्कल की दूसरी लाइन पे आके एक और आर्क, फिर दूसरी तरफ। ऐसे ही कंटिन्यू करके आप आर्क्स बना लीजिए, और जो आपके आर्क्स होंगे वो आपके सेमी क्वार्टर सर्कल का सेंटर होंगे। ये बाइसेक्टर्स हमने बना लिए हैं 45-45 का। आप जैसे 90 था ये एक एंगल, तो आपने इसको इस पॉइंट से और एक बार इस पॉइंट से एक आर्क बनाया, फिर एक बार इस पॉइंट से एक आर्क बनाया, तो ये आपका बाइसेक्टर बन गया है। आप ये ज्वाइन कर दीजिए इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट से, ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारे 8 पार्ट्स हो गए। आपको जितने पार्ट्स चाहिए आप उतने बाइसेक्टर्स बना के अपना ग्रिड रेडी कर सकते हैं। इस ग्रिड के हम लोग इसके 16 पार्ट्स करेंगे, तो हमने उसके लिए बाइसेक्टर्स अपने ड्रॉ कर लिए हैं, और इन पॉइंट्स को हम लोग सेंटर पॉइंट से अटैच कर देंगे। ये ग्रिड रेडी हो चुकी है। अकॉर्डिंगली आप अपने बाइसेक्टर्स बना के ग्रिड का स्पेस बढ़ा सकते हैं और सर्कल्स भी। ग्रिड रेडी हो गई है, इसमें ही आप इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। बस आपके
like my video, do like, share, subscribe my channel and keep loving my videos. Thank you so much.